बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 4 ऑफ साइंस क्लास 4। क्लास 4 का आज हमने फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करना है साइंस का। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था हमने द बॉडी मशीन। द बॉडी मशीन का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का आज फिल इन द ब्लैंक स्पेस इन द टेबल गिवन बिलो। नीचे आपको टेबल दिया गया है, टेबल के ऊपर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपने टेबल फिल करना है। आई एक्सरसाइज माई ब्रेन बाय, आप अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज किस तरह से करते हैं। एक एग्जांपल उन्होंने आपको बता दी है, रीडिंग बुक्स, जब आप बुक्स को रीड करते हैं। इसके अलावा आप अपनी ब्रेन को किस तरह से एक्सरसाइज करवा सकते हैं, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जब आप कुछ लिखते हैं, थिंकिंग, जब आप कुछ सोचते हैं तब भी आपका ब्रेन क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। इस तरह नेक्स्ट है, आई एक्सरसाइज माई बॉडी बाय, आपकी बॉडी को किस तरह से एक्सरसाइज करवाई जा सकती है। प्लेइंग फुटबॉल, जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो आपकी बॉडी जो है फिज़िकली वो क्या करती है, एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही होती है। इस तरह रनिंग, जब आप भागते हैं, वॉकिंग, जब आप चलते हैं, जब आप दौड़ते हैं, चलते हैं, और प्लेइंग वगैरह फुटबॉल, क्रिकेट भी प्ले कर सकते हैं, कुछ भी आप इस तरह की गेम प्ले कर रहे हैं जिसमें आपकी बॉडी के फिज़िकल पार्ट्स मूव कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। नेक्स्ट है, आई कीप स्टमक हैप्पी बाय ईटिंग फ्रूट, आप अपने स्टमक को किस तरह हैप्पी रख सकते हैं। हैप्पी मीन्स यहाँ पे कि हेल्दी रख सकते हैं, तो ईटिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स खा के, फल खा के, ड्रिंकिंग जूस, जूस वगैरह पी के, अवॉइड जंक फूड, जंक फूड से अवॉइड करके, जंक फूड यानी कि बर्गर, पिज़्ज़ा, और इसके अलावा जितने भी आप चिप्स वगैरह, फ्राइड फूड खाते हैं, जंक फूड में आ जाते हैं, ठीक है। तो अनहेल्दी फूड से अवॉइड करके आप अपने स्टमक को हैप्पी यानी कि हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट 3 वेज इन विच यू कीप हेल्दी, तीन कोई ऐसे वेज बताएं, तरीक़ेकार बताएं जिनको आप फॉलो करके अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, सेहतमंद रख सकते हैं। आंसर इज़ डैट कीप योर सेल्फ क्लीन, सबसे पहले अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, क्लीन रखें, क्लीन योर सेल्फ। जब आप साफ़ सुथरे रहेंगे तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, बहुत से जर्म्स आपके साथ अटैच नहीं होंगे जिनकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं। डू एक्सरसाइज डेली, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करें, रेगुलरिटी के साथ, बाकायदगी के साथ मशक करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आपका डेली का वॉक करना भी आ जाता है। एंड ईट हेल्दी डाइट, और अपनी डाइट को हेल्दी रखें यानी बैलेंस्ड डाइट लें, मतवाजन गज़ा लें, ऐसी गज़ा लें जिसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, प्रॉपर आपके न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो जो चीज़ें आपको डाइट के अंदर, गज़ा के अंदर, फूड के अंदर चाहिए हेल्दी रहने के लिए, वो सब मौजूद हों, विटामिंस, मिनरल्स, इसके अलावा डिफरेंट जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं जो आपको नेसेसरी होते हैं हेल्दी रखने के लिए, वो सारे मौजूद हों उसके अंदर। फिल इन दी ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, फिल इन दी ब्लैंक्स, आपने खाली जगह पूर करनी है। ए, द ऑर्गन इन आवर बॉडी डू डैश जॉब्स, आपकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन हैं वो सेम जॉब करते हैं या डिफरेंट जॉब करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट ऑर्गन आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक आपका हार्ट है, हार्ट क्या करता है, कल वाले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि हार्ट आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है और ब्लड सर्कुलेशन करवाता है आपकी बॉडी के अंदर। इसी तरह आपके बॉडी के अंदर लंग्स हैं जो कि ऑर्गन हैं, और वो ऑर्गन कौन सा काम सर अंजाम दे रहे हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाते हैं, सांस लेने का अमल जिसके थ्रू आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो आपके लंग्स क्या करवा रहे हैं, रेस्पिरेशन करवा रहे हैं। इस तरह आपका ब्रेन क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। स्टमक क्या करता है, डाइजेशन परफॉर्म करवाता है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं, डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिफरेंट, के जो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट जॉब्स परफॉर्म करते हैं। वी शुड ड्रिंक डैश ग्लासेस ऑफ क्लीन वाटर टू कीप हेल्दी, हमें डेली बेसिस पे कितना पानी इनटेक करना चाहिए, पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए। 6 to 8, 1 to 3 ग्लासेस, तो हमें 6 to 8 ग्लासेस जो हैं वो ड्रिंक करने चाहिए क्लीन वाटर के डेली बेसिस पे हेल्दी रहने के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज मेक्स अस, अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करें तो हमें क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग या वीक, तो एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमें मजबूत बनाती है, सेहतमंद बनाती है रेगुलर एक्सरसाइज। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश फूड्स, आपके फ्रूट, फल और वेजिटेबल्स सब्जियां जो आप खाते हैं हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, आपको पता है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो प्रॉपर डाइट है, बैलेंस डाइट है, उसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रॉपर मिनरल्स वगैरह होते हैं, आपके लिए हेल्दी हैं, सेहतमंद है। सब्जियाँ और फल खाना आपके लिए क्या है, हेल्दी है, सेहतमंद है।
तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है कि आपने टेबल जो आपकी एक्टिविटी है, क्वेश्चन और ये जो एक्सरसाइज में आपकी फिलअप्स हैं इनको अच्छी तरह लर्न करना है और अपने समर पैक के ऊपर भी आपने इनको राइट करना है। कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने क्वेश्चनिंग ज़रूर करनी है बेटा। अगर आप क्वेश्चन इधर नहीं कर सकते तो आपने इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसके रिलेटेड जो भी आपको सवाल होगा वो आपने पूछ लेना है ताकि आपका क्लियर कर दिया जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।